हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आप सबका फिर से आपके अपने और मेरे यूट्यूब चैनल 5G में ठर भाई राहुल शर्मा पे। मैं राहुल सर, आज जो है हम लोग ज्यामिति का पार्ट दूसरा देखेंगे। पार्ट वन में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था, छेदक रेखा तक में हम लोगों ने पार्ट वन तक में देख लिया है। आज जो होगा पार्ट सेकेंड होगा, और पार्ट सेकेंड में भी हम लोग कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, जो नाम है आखिर उनका अर्थ क्या है ना। और इसके बाद जो आपका वीडियो होगा है ना, पार्ट थर्ड जो होगा उसमें हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे जितने सारे रेखा और कौन से रिलेटेड बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। कहानी है, हम लोग कल जाने थे बिंदु के बारे में और रेखा के बारे में, आज हम लोग जानेंगे कोण के बारे में कि आखिर कोण क्या होता है, कोण का कैसे निर्माण होता है, कौन कौन से कोण होते हैं। ठीक है, और ये जब सब बातें हम लोग समझ लेंगे तो आएंगे एग्जाम्पल पे। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे सब कोई कोण, सभी लोग हेडिंग बना लेंगे बाबू सुगा सोना, कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। ठीक है, कोण यानी कि एंगल, किसे कहते हैं कोण। तो देखिए कोण का सटीक डिफिनेशन ये होता है, लेकिन एग्जाम में डिफिनेशन तो नहीं आएंगे, लेकिन जानकारी के लिए जरूरी है जान लेना। तो कोण हम इसे कहते हैं, तो कोण का मतलब ये होता है कि जब दो रेखाओं के मिलने से, यानी मिनिमम दो होना चाहिए। ठीक है, जब दो रेखाओं के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है ना, उसे हम लोग भाई क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। यानी कि जहां पर दो गो रेखा मिलेगा, रेखा जहां दो गो मिलेगा और उनको मिलने से जो यानी झुकाव उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। जैसे मान लो ये एक रेखा है और यहां से एक मैंने रेखा लाया और यहां पे मिला दिया, तो यहां पर जब ये लोग मिले तो थोड़ा सा झुके, तो जो ये झुकाव उत्पन्न हुआ इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे कोण। अब आप देख रहे होंगे कि कोण अंदर भी बन रहा है, कोण बाहर भी बन रहा है। तो जो कोण होंगे वो दो वैरायटी का होंगे, एक होगा आपका अंतः कोण और एक आपका होगा भाई साहब बहिष्य कोण। ये हमेशा हर जगह होगा, जब भी दो रेखाओं के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। और कोण जो होंगे मुख्य रूप से दो होंगे, एक होगा अंतः कोण यानी अंदर बनेगा और एक होगा बहिष्य कोण जो बाहर बनेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल और इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यानी अंतः कोण और बहिष्य कोण। जैसे और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ये एक रेखा है और यहाँ से एक रेखा करके यहाँ पे मिला, तो जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो बन रहा है इसी को क्या कहेंगे, इसी को कोण कहेंगे। ये अंतः कोण है और ये इसका क्या है, बाह्य कोण है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जब दो रेखाओं के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। अब इसके बारे में कुछ बातें हम जानेंगे, कुछ समझेंगे, है ना जी। तो देखिये सबसे पहले तो कोण में हमें एक बात समझना होगा, जैसे लिखा होता है कोण ए बी सी बराबर दे दिया मान लो 60 डिग्री, तो कैसे पता लगता है कि ये जो 60 डिग्री मान है ये ए का मान है, बी का मान है कि सी का मान। या कभी कभी ये कोण ऐसे न लिख के सिंबल दे देगा ऐसे, और दे देगा ए बी सी बराबर 60 डिग्री। तो जब ये सिंबल भी नजर आए तो समझिएगा कि ये इसका नाम क्या है, कोण है। यानी इसको हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री। तो मुख्य रूप से हम ये जानने वाले हैं कि आखिर इसमें मान होगा किसका, ए का मान होगा कि बी का मान होगा कि सी का मान होगा। तो ध्यान रखेंगे जो लेटर बीच में होगा उसी का मान होगा। जैसे दिया है कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री, यानी कि जो एंगल बी है उस बी का मान दिया है 60 डिग्री। ठीक है, अगर अगर किसी ने लिख दिया कोण डी सी एफ बराबर 90 डिग्री, तो बीच में क्या है, सी है, अर्थात जो सी है उसका मान दिया हुआ है भाई कितना, उसका मान दिया है 90 डिग्री। ये बात ध्यान रखेंगे कि जो लेटर बीच में होगा उसी का मान दिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने एक छोटा सा बात समझा कोण के बारे में। अब देखिए कभी कभी ये मिलेगा ऐसे सिंबल मिलेगा,
जैसे मान लो यहाँ पर कोई रेखा है और यहाँ पर ये सिंबल दे दिया, ठीक है। तो ये सिंबल जब भी देगा तो समझिएगा कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी ये सिंबल अगर दे दिया वैल्यू नहीं भी लिखा तो आपको समझना होगा कि यहाँ पर जो कोण बनेगा सो इतने डिग्री का बनेगा, यहाँ पर बनेगा कोण 90 डिग्री का अर्थात 90 डिग्री का। ये बात ध्यान रखेंगे, ये सिंबल है, आप इसको अपने दिल में बसा लीजिए, दिल में उतार लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोण में जो है हम लोग अलग अलग जानेंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे कोण में न्यून कोण को। तो देखिए न्यून न्यून कोण, न्यून माने होता है छोटा, न्यून मतलब क्या होता है छोटा, मतलब कि न्यून कोण के बारे में जानेंगे तो न्यून कोण क्या होता है, न्यून मतलब कि छोटा। तो आखिर ये छोटा होगा तो किससे छोटा होगा, कोई होगा ना इससे बड़ा, है ना। तो याद रखेंगे कि वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से कम हो, यानी 0 डिग्री से ज्यादा हो, लेकिन ये जो थीटा होगा, जो कोण का माप होगा 0 से 12 होगा लेकिन 90 से कम होगा, उसको भैया क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे न्यून कोण। न्यून कोण जो होगा मैक्सिमम जो होगा ये 89.99 होगा, ये कभी भी 90 नहीं होगा, यह बात ध्यान रखेंगे। तो न्यून कोण का मतलब हुआ कि जो कोण होगा उसका मान 0 से ज्यादा होगा लेकिन 90 डिग्री से कम होगा, तो वैसे कोण को हम लोग भाई साहब क्या बोलते हैं, वैसे कोण को बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो उसे क्या कहेंगे, 90 डिग्री। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 72 डिग्री, और मैं आपसे पूछूं कि ये 72 डिग्री कौन से कोण के अंतर्गत आएगा, तो 72 जो है सो क्या है, 90 से छोटा है, 90 से छोटा है अर्थात ये न्यून कोण होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, न्यून कोण हो गया। न्यून कोण के बाद हम आता है दूसरा आपका आएगा समकोण, समकोण इसे कहेंगे। तो देखिए समकोण का मतलब, यानी कि देखिए सम का मतलब होता है बराबर है, समान है, सम यानी समान, समान यानी बराबर। तो समकोण यानी इसका मतलब ये हुआ कि वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री के बराबर हो। देखिए ना 90 से कम होगा ना 90 से ज्यादा होगा, ना 90 से कम होगा ना 90 से ज्यादा होगा, सिर्फ और सिर्फ होगा कितना, तो 90 डिग्री होगा। तो वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसको हम लोग भैया क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, समकोण कहते हैं। सम माने समान, समान माने बराबर, बराबर यानी जो कोण होगा थीटा का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, वैसे आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, न्यून कोण जान लिए, समकोण जान लिए, अब जानेंगे अधिक कोण के बारे में। नंबर 3 आपका आएगा अधिक कोण, अधिक कोण। तो देखिए अधिक का मतलब होता है ज्यादा, अधिक का मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो देखिए वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से 12 हो लेकिन छोटा हो 180 से, जिस कोण का माप 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा उसको भैया क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग भैया कहेंगे अधिक कोण। ध्यान रहे बात, अधिक मतलब 90 से अधिक लेकिन कम होगा किससे, 180 से, यानी कि 90 और 180 के बीच का अगर मान आएगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अधिक कोण। 91 होगा, 179.99 होगा लेकिन 180 नहीं होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आएंगे चौथे नंबर पे। चौथा नंबर है भाई साहब रिजु कोण। रिजु कोण को भाई साहब इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट एंगल। रिजु कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेट एंगल बोलते हैं। और ये आपके लिए रेखा और कोण में ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिजु कोण, स्टेट एंगल।
ऋजु कोण का मतलब यह होता है कि वैसा कोण जिसका माप 180 डिग्री हो, न तो 180 से कम होगा न 180 से ज्यादा होगा। एक्यूरेट 180 डिग्री अगर हो रहा है तो वैसे कोण को हम क्या बोलेंगे, वैसे कोण को बोलेंगे ऋजु कोण। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो सीधी रेखा होती है, एक जो सीधी रेखा होती है, इस रेखा पर जो कोण बनेगा, इस पे जो मान लो ये कोण बना, ये जो कोण होगा सो कितने डिग्री का होगा, 180 का होगा। क्योंकि देखिए ये कंप्लीट वृत्त है, तो कंप्लीट वृत्त में जो कोण बनता है ये पूरा 360 बनेगा। लेकिन अगर बीच से हम एक लाइन खींच दिए तो 360 दो बराबर भागों में, यानी ऊपर 180 नीचे 180। ऋजु कोण जब भी बनेगा एक सीधी रेखा पर बनेगा, और एक सीधी रेखा पर जो कोण बनेगा सो होगा कितने डिग्री का, 180 डिग्री का होगा। कौन सा कोण, ऋजु कोण। ये बात आपको ध्यान रखने हैं, और रेखा और कोण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपका ऋजु कोण। इस पे आपके एग्जाम में सवाल अनेकों बार आए हैं और आगे भी आते रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऋजु कोण के बारे में। अब इसके बाद पांचवा हम लोग भैया जानेंगे प्रतिवर्ती कोण। पांचवा है प्रतिवर्ती कोण, या इसको बोलते हैं पुनर्युक्त कोण। तो आखिर ये होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। ऋजु कोण जब 180 डिग्री हो गया तो ये जो होगा 180 से ज्यादा होगा। तो ध्यान रखेंगे प्रतिवर्ती कोण का मतलब यह होता है कि वैसा कोण, प्रतिवर्ती कोण का मतलब यह होगा कि वैसा कोण जिसका माप 180 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन कम हो किससे, 360 डिग्री से। तो वैसे कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। ध्यान रहे बात, इसमें जो मान आएगा निकल के वो 180 डिग्री से ज्यादा तो होगा लेकिन 360 डिग्री से कम होगा, तो ऐसे कोण को बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। जैसे देखिए हम इसका आकृति भाई साहब एक बना रहे हैं, आप देखिएगा समझने का कोशिश कीजिए। ये जो वृत्त है इसके अंदर बनेगा कंप्लीट एंगल 360 का, लेकिन हमें 360 से कम बनाना है तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका मुंह लेके खोल देंगे। देखिए ये जो एंगल बना, अगर ये रेखा सीधी जाती तो ये एंगल 180 होता, लेकिन सीधी ना जाकर के थोड़ी सी झुक गई तो ये मान जो होगा सो क्या होगा, 180 से ज्यादा होगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जो प्रतिवर्ती कोण होगा वो थोड़ा सा सीधी रेखा से विचलित होगी, मतलब कि झुका हुआ होगा। और यही जो कोण बनेगा, ये कोण बनेगा क्या, 180 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 360 से कम होगा। अगर ये पूरा सटेगा तब जाके 360 होगा, लेकिन मैंने तो सटने दिया ही नहीं, तो जब सटने दिया ही नहीं तो वैल्यू क्या होगा, 360 से कम होगा। अब कितना कम होगा ये डिपेंड करता है सवाल के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अब होता है भाई साहब पूरक कोण। तब पूरक कोण का मतलब यह होता है कि वैसा दो कोण जिनका योगफल, जिनका माप 90 डिग्री हो, वैसे कोण को बोलते हैं क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे, ठीक है। जब दो गो कोण को मिलाने के बाद में अगर योगफल 90 डिग्री आ रहा है, तो 90 डिग्री आ रहा है मतलब कि वो कैसा कोण होगा, तो वो होगा पूरक कोण। जैसे ये मैंने एक एंगल बनाया ए बी सी, और ये जो है 30 डिग्री का है। एक और मैंने एंगल बनाया डी सी ई, और इसका जो वैल्यू है सो 60 डिग्री का है। तो
तो 60 डिग्री और जोड़ 30 डिग्री बराबर हुआ कितना, 90 डिग्री हुआ। इसका मतलब ये है कि इसका जो है ये पूरक है और इसका जो है ये पूरक है, दोनों जो है एक दूसरे के क्या है, पूरक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री के बराबर हो रहा है। ये बात आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। जब दो कोण को जोड़ला पर मान 90 डिग्री आ जाए तो ऐसा कोण के का कहल जाला बाबू, एकरा के कहल जाला पूरक कोण, ठीक बा। अब इससे रिलेटेड एगो बात समझो, तो दू गो के जोड़ला के बाद में जब योगफल 90 आवे के चाहिए तो पूरक कोण होई। तो अगर हम कहें कि एगो कोण 70 डिग्री बा, तो 70 डिग्री के पूरक कोण का होई, तो कहब कि 70 में 20 जोड़ दिया तो 90 हो, मतलब कि 70 डिग्री का जो पूरक कोण होगा सो क्या होगा, 20 डिग्री। या हम 20 को तो ये भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री में से अगर 70 डिग्री को घटा देंगे तो भी 20 डिग्री आ जाएगा। अगर हम बोले कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप कहेंगे 30 में 60 जोड़ देंगे तो 90 होगा। तो क्या हम 60 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 आएगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर कोई कोण 100 डिग्री है तो 100 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, तो क्या आप नहीं बोल सकते हैं 100 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, तो 90 - 100 होगा। और यही आपका फॉर्मूला बन गया। किसी भी कोण का अगर पूरा कोण निकालना है तो उसको 90 में से घटा देंगे तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर एक नोट बनता है, आप सभी लोग एक सुंदर सुशील संस्कारी नोट लिख लेंगे। नोट क्या बनता है लिखिएगा, थीटा का पूरा कोण, लिखेंगे थीटा का पूरा कोण बराबर 90 - थीटा होता है। ध्यान रहे बात, थीटा का पूरक कोण बराबर क्या होता है, 90 - थीटा होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, ये निकला कहां से, तो यहां से, मैंने अभी जो बताया था उसी में से निकला, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग आएंगे। अगला आपका है भाई साहब संपूरक कोण। संपूरक कोण किसे कहते हैं, ध्यान रहे। तो सम देखिए, पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, और संपूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। यानी कि कोण ए और कोण बी को जोड़ने के बाद में वैल्यू अगर 180 आ गया, मतलब दो गो कोनों भी कोण को जोड़ने के बाद में अगर मान 180 आ गया तो वो क्या होगा, वो होगा संपूरक कोण। जैसे एग्जांपल के माध्यम से आप बात को समझेंगे, ये एक एंगल है जिसका माप है 110 डिग्री और एक और एंगल है जिसका माप है 70 डिग्री। तो मैं बोलूं कि 110 डिग्री या जोर में 70 डिग्री बराबर होगा कितना डिग्री, 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 110 डिग्री का जो संपूरक है वो 70 डिग्री है, और 70 डिग्री का जो संपूरक है सो कौन सा है, 110 डिग्री। यानी कि दोनों जो है एक दूसरे के संपूरक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बिना ये अधूरा है और इसके बिना ये अधूरा है, ठीक है। तो जब भी बोले पूरा कोण तो समझ लेना कि दो कोणों का योग 90 डिग्री, और जैसे ही बोल दे संपूरक कोण तो दिमाग में घंटी बजेगा कि दो कोणों का योग फल इतना होगा, तो दो कोणों का योग जो होगा सो 180 डिग्री ही होगा, न ज्यादा होगा न कम होगा। ये बात आप अपने दिमाग के किसी कोने में सेट कर लीजिए, क्योंकि यहां से भी सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। अभी तक तीन चीजें आपने इंपॉर्टेंट पढ़ा, इसमें एक पढ़ा ऋजु कोण के बारे में, और एक पढ़ा आपने पूरक कोण के बारे में, और एक आपने अभी क्या पढ़ा संपूरक। ये तीनों के तीनों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इससे हजारों बार आपके एग्जाम में सवाल देखे गए हैं, चाहे वो SSC का एग्जाम हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो, जो एग्जाम हो, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड भाई साहब सवाल देखे गए हैं। इसलिए इसे दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, अब कुछ जो है मैं आपको संपूरक का भी कंसेप्ट बताऊंगा। जैसे देखिए,
मान लीजिए कोई कोण 20 डिग्री है, तो हम कहें कि 20 डिग्री का समपूरक क्या होगा, तो 20 में कौन सा नंबर जोड़ेंगे कि 180 होगा, तो कहेंगे 160 डिग्री। तो क्या बाबू 160 को हम नहीं लिख सकते हैं, 180 माइनस में 20 बराबर 160 है। अगर हम आपसे कहें कि 50 डिग्री का संपूरक क्या होगा, तो 50 में कितना जोड़ेंगे कि 180 होगा, तो कहेंगे 130 डिग्री। तो क्या हम इसे 130 को नहीं लिख सकते हैं, 180 माइनस में 50 बराबर 130 डिग्री। तो अगर इसी हिसाब से मैं आपसे पूछूं कि 1 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि 180 में से अगर x को घटा देंगे तो जो निकल के आएगा वही उसका क्या होगा, संपूरक होगा। तो कंसेप्ट बन गया, कंसेप्ट ये बना कि अगर किसी भी कोण का संपूरक कोण अगर निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 180 में से घटा देंगे तो उसका संपूरक कोण निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर भी एक नोट बनता है, सबको एक नोट लिख ले, नोट लिख लीजिएगा तो फायदा में रहिएगा, घाटा में नहीं रहिएगा। नोट रहेगा बात को आप समझ पाएंगे उसको पढ़ करके। तो नोट ये होता है, किसी भी कोण का बाबू सुगा सोना राजा करेजा, किसी भी कोण का संपूरक कोण किसी भी कोण को हटा करके यहां लिख देते हैं थीटा का संपूरक कोण बराबर क्या होगा, तो बराबर होगा 180 माइनस में थीटा। ठीक है, जो भी कोण हो उसका संपूरक निकालना है तो 180 में से घटाओ, और यदि उसका पूरक निकालना है तो 90 में से घटाओ, आपके जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझना है और समझना भी जरूरी है, एक साइड लिखेंगे पूरक और एक जगह भाई साहब लिखेंगे संपूरक और एक जगह लिखेंगे हम कोण। जैसे हम कहें कि 1 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 1 डिग्री का होगा पूरक 89, क्योंकि 89 या 90 हो जाएगा, और 1 डिग्री का संपूरक होगा 179, क्योंकि 179 जोड़ 1 बराबर 180 हो जाएगा। अगर हम पूछे कि 2 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो कहेंगे कि 88 डिग्री होगा और संपूरक क्या होगा, तो 178 डिग्री होगा। अगर मैं पूछूं कि 5 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ये होगा 85 डिग्री और इसका संपूरक होगा 175 डिग्री। देखिए रिजल्ट बड़ा ही जबरदस्त निकल के आने वाला है। अब देखिए 1 डिग्री का पूरक है 89 और इसका संपूरक है 179, तो हम ये देखते हैं कि किसी भी कोण के संपूरक कोण और पूरक कोण के बीच का डिफरेंस क्या आता है, और क्या सब जगह बराबर आता है कि अलग अलग आता है। तो इसका है जी पूरक है 179 माइनस सॉरी संपूरक है 179 पूरक है 89 घटाएंगे, 9 में से 9 जाएगा 0, 17 में से 8 जाएगा, अर्थात इसका तो 90 निकल गया है। अब इसको देखते हैं तो इसका संपूरक है 178 डिग्री और इसका जो है पूरक वो है 88 डिग्री, तो 8 में से 8 जाएगा 0, 17 में से 8 जाएगा 9, मतलब ये भी 90 डिग्री आ गया। अगर इसको भी घटाएंगे तो संपूरक है 175 माइनस में है पूरक कितना 85, तो 5 में से 5 जाएगा 0, 17 में से 8 जाएगा 9, अर्थात यहां पर एक बड़ा ही सुंदर कंसेप्ट बन गया कि किसी भी कोण के पूरक और संपूरक कोणों के बीच का अंतर जो होगा वो हमेशा होगा कितना, तो वो हमेशा होगा 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री। और ये बात आप लोग अपने जेहन में डाल लें, अन्यथा आप इसे लिख भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें और इसको आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, और नीचे नोट में ये बात भी लिख लेंगे कि किसी भी कोण के पूरक और संपूरक कोण के बीच का अंतर हमेशा 90 यानी कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है कोण उसका नाम है आसन्न कोण। आसन्न कोण, तो आसन्न कोण भाई साहब किसे कहते हैं, आसन्न कोण आखिर क्या है,
तो आसन कोण का डिफिनेशन हम ये अति बोल सकते हैं कि जब किसी भी दो कोण में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन हो, तो वैसे कोण को हम लोग बोलते हैं आसन्न कोण। समझिएगा कंसेप्ट के माध्यम से। जैसे मान लो ये कोई आकृति है ए बी सी और इसमें मैंने एक रेखा ले लिया बी डी। तो अब देखिए इस पे एक कोण तो यहां पे बन रहा है और एक कोण यहां पे बन रहा है, और ये जो दोनों कोण अब जो बन रहे हैं इसमें ये भुजा क्या है कॉमन है, ये इसमें भी आ रहा है और ये इसमें भी आ रहा है। तो जो जो आप यहां पर देखेंगे बी डी भुजा क्या है उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, जो इस वाले कोण का भी हिस्सा है और इस वाले कोण का भी हिस्सा है। इसका मतलब है कि यही जो कोण है सो कैसा कोण है, यही कोण आपका आसन्न कोण है। ठीक है, किसी भी दो कोण में जब एक भुजा यदि कॉमन हो जाए तो वैसे कोण को हम लोग बाबू आसन्न कोण बोलते हैं। ये भी बात जरूरी है लेकिन उतना जरूरी नहीं है जितना कि संपूरक है, पूरक है और ऋजु कोण है। ठीक है, इससे उतना ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं लेकिन जानकारी के लिए जरूरी है कि अगर शब्द कभी मिल जाए आसन्न कोण तो उसका आकृति कैसे बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब अभी और कुछ बातें हमें समझनी है। एक आपको शब्द मिलेगा कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक इंग्लिश में इसको बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। तो कोण का मतलब जानते हैं कोण, सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है दो, और भाजक का मतलब हो गया भाग, यानी कि कोण को दो बराबर भाग में बांटेगा। जब भी शब्द कहे कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर जब भी शब्द मिले तो आपके दिमाग में ये घंटी बजेगा कि हमें जो है कोण को दो बराबर भागों में बांटने हैं। एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक यानी जब भी शब्द मिले तो आपके दिमाग में ये घंटी बजनी चाहिए कि राहुल सर ने बताया था कोण समद्विभाजक का मतलब होता है कोण को दो बराबर भागों में बांटना। जैसे मान लो ये कोई आकृति है जिसका वैल्यू है 30 डिग्री, इसमें वो रेखा खींच दी और ये जो रेखा है सो कोण समद्विभाजक है। तो जब ये कोण समद्विभाजक है तो ये इसे दो बराबर भागों में बांटेगी। तो अगर ये कंप्लीट यहां से यहां तक है 30 डिग्री, तो जब ये दो बराबर भागों में बांटेगी तो ये भी 15 डिग्री होगा और ये भी कितना डिग्री होगा 15 डिग्री होगा। तो ध्यान रखेंगे कि कोण समद्विभाजक वर्ड जब भी मिले तो घंटी यही बजेगा कि हमें जो है भैया कोण को दो बराबर भागों में बांट देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर आपसे यानी शब्द बोले लंब डाला जाता है, लंब डाला गया है यानी जब भी आपको शब्द क्या मिले लंब, तो जब भी शब्द आपको लंब सुनाई दे तो समझ लेना लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब भी शब्द क्या बोले लंब बोले तो लंब जब भी हम डालेंगे तो वहां पर जो एंगल बनेगा जो कोण बनेगा बाबू सुगा सोना वो बनेगा कितने डिग्री का, तो वो बनेगा 90 डिग्री का। ये शब्द का अर्थ जरूरी है क्योंकि ये बहुत बार आता है, ये आगे इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे लंब जब जब लंब कहे तो दिमाग में घंटी बजेगा 90 डिग्री, और जब जब कहे समद्विभाजक तो समझ जाना कि उसे दो बराबर भागों में हमें बांटना है। अब आगे आएंगे शीर्षाभिमुख कोण, अगला आपका होता है बाबू शीर्षा, शीर्षा भिमुख कोण। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, एगो ई रेखा है मान लो इस रेखा का नाम हम रख दें ए है बी है बिंदु ओ है सी है आई डी है, तो जब ए बी और सी डी रेखा ओ बिंदु से गुजरी तो यहां पर जो एक दूसरे के अपोजिट में एथी बनेगा कोण बनेगा वो क्या होगा बराबर होगा।
मतलब कि जितना इस कोण का माप होगा उतना ही इसका माप होगा, और जितना इस कोण का माप होगा उतना ही इसका माप होगा, अर्थात इसे ही हम लोग कहते हैं कौन सा कोण, इसे ही कहेंगे सिरसाभिमुख कोण। बात ध्यान में रखिएगा, ये भी जरूरी है, जितना जरूरी हमें पूरक है, संपूरक है।